आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखकर हैरान होने वाले हैं किस तरीके से आज जो पुलिस वाले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, कलीसियाओं में सताव डालते हैं, पास्टरों को जेल में बंद कर देते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, पास्टरों को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, झूठा केस उन पर लगा दिया जाता है, झूठे आरोप इन पर लगा दिए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आप देखकर हैरान हो जाएंगे किस तरीके से एक महिला पुलिस ने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की और खुले आम सड़क के बीच में यीशु मसीह का प्रचार किया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखकर जाइएगा। इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार पहुँचे हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बाइबल हमें कहते हैं कि जिन्होंने सत्य को जान लिया स्वतंत्र हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूँ चाहे हम इस संसार में चाहे किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, चाहे हमारा लेवल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो हमारा वो लेवल इस संसार का है और इस संसार के साथ ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, वे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को दीन कर लेते हैं, अपने आप को नम्र कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना क्रूस उठाकर चलते हैं। क्योंकि एक्चुअली बाइबल हमें ये कहती है कि जिसने सच्चाई को जाना है वे स्वतंत्र हो गए हैं। तो वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला आज का, तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में चैनल पे बहुत सी ऐसी वीडियोज डाली हैं, अगर आपने उन वीडियोज को भी नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन वीडियोज को भी ज़रूर देखकर जाइएगा इस वीडियो के बाद में। तो आइए वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने पहले प्ले करता हूँ। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप आगे भी ज़रूर देखकर जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिनको देखकर आप भी प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर देखेगा और आप निडरता के साथ बिना किसी भय के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उसकी आराधना को कर पाएंगे, क्योंकि आपको संसार का डर नहीं होगा। देखिए बाइबल हमें ये कहती है कि तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लो, मैं स्वर्ग दूतों के सामने और पिता के सामने तुम्हें मान लूँगा। इस संसार में हमें रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें कहा है। उसने कहा है कि संसार के सामने तुम मुझे मान लो और मैं तुम्हें स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस संसार और संसार की वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, बाइबल हमें ये कहती है, लेकिन जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सदा बना रहेगा। क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि मेरे मुख से निकली हुई बातें कभी नष्ट नहीं होती, तो मैं नष्ट कहाँ से हो जाऊँगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेकर आया है। आज जो लोग सड़कों पर घरों के बाहर
बड़ी बड़ी दुख उठाकर, बड़ी बड़ी तकलीफें उठाकर, बड़ी बड़ी बीमारियों में पड़कर भी आज प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चख लिया है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, चख के देखो यहोवा कैसा भला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो सेक्रीफाइस, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, वो बलिदान इस संसार में कोई आपके लिए नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जिसने अनंत जीवन पा लिया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वे लोग क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यह है कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लोगों को मन फिराव का अवसर दो, ताकि लोग मेरे राज्य में आ सकें, मैं उन्हें बचा सकूँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दासों को, सेवकों को इस संसार में जगह जगह, हर देश में, हर कंट्री में, हर राज्य में, जगह जगह आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार निडरता के साथ प्रचार किया जाता है। बहुत से दोष लगाए जाते हैं, बहुत सी निंदाएं की जाती हैं, बहुत सी बुराइयां की जाती हैं, बहुत जगह मारा पीटा जाता है, बहुत सी जगह जेलों में डाल दिया जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कोई हमारा इज्जत और सम्मान नहीं करता। फिर भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर में हम आनंदित हैं। क्योंकि फिलिपियों 4:4 हमें कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, मैं फिर से कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और सेम वचन के अंदर फिलिपियों 4:6 के अंदर हमें बाइबल इस कदर कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना निवेदन विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने समर्पित किए जाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप जीवते परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आप जानते हैं कि वो आपका परमेश्वर है, और आपने ये ठान लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे फिर आप कौन सी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, किसी लेवल पे क्यों ना हो, या फिर आप जीरो ही क्यों ना हो, आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे देंगे। ये वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करूं, ताकि आप इस वीडियो को देखकर आप ही जान पाएं कि आज पुलिस वाले और बहुत सी ऐसी वीडियोज आए जहाँ पर लोग ऐसी ऐसी तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, संसार के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर मोटिवेट किया होगा अब मसीह में और भी दृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आपके घराने में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उसके पास तो आपको शेयर करना ही करना है। आप उन लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिएगा जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह का स्वाद ही नहीं चखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम ही नहीं सुना है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि एक पुलिस तो ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जेल में डाल देती है, और दूसरी पुलिस ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कर रही है पुलिस ही, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया वे स्वतंत्र हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही प्यारे से और परमेश्वर के वचन से भरे हुए प्यारे वीडियो के साथ। तब तक ले प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।